बोलता था यार रेस मारना हो जाओगे, एनसीसीसी है, ये बोलता था हमारा रेस निकलवे नहीं करेगा। हम बोलते थे 3 टाइम दौड़ो, 4 टाइम दौड़ो, बस दौड़ते रहो। तो मतलब दौड़ते रहा, सब कुछ निकाल भी लिया, भर्ती भी हो गया, लेकिन लास्ट में सब कुछ छीन लिया गया। एंड एवरीवन, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक ऐसे भाई से मिलाने वाला हूँ ना, जिसके बारे में जानने के बाद आप अपना दुख दर्द भूल जाओगे। अपने घर पर देखो भैंस खिला रहा था, अभी भैंस भी खा चुकी है, और इधर रहा अपना R15। तो चलते हैं ग्राउंड पर, सारी बातें अभी आप लोगों को पता चल जाएगी। अभी तो मैं अपने घर से अपना R15 लेकर निकल चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा कचड़ा वचड़ा है यार। ये अपनी गाँव की सड़कें देखो, पानी भी लगा हुआ है, कचड़ा भी है, और इधर सड़क भी टूट रही है। ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुका हूँ। और अपनी साइकिल तो खड़खड़ बड़बड़ करने लगी है यार। पहलवान भाई को क्या पता कि हमको 7 समुंदर पार करके ग्राउंड पर जाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है। देखो यहाँ बंदर आया हुआ है, कितना भयंकर वाला बंदर है। दौड़ा ही नहीं ना। अभी मैं गांव से बाहर निकल चुका हूँ भाई, आज तो गांव में बहुत सारे बंदर आए थे। कहाँ चल गया, कहाँ है बना हुआ जाता नहीं। देखो वो भाई पढ़ने जा रहा है। पहलवान भाई काफ़ी देरी से इंतजार कर रहा था, कब से आई वाला कब से पूछते बानी एक घंटा इंतजार करता ला आओ तला नौटंकी करे का पूछी रहे तो नहीं पूछो जा हम वहीं जा चल सही क्लियर रखना। फौजी भाई बाइक लेकर चला आया, इसलिए हम लोग वहाँ पर अपना साइकिल रख दिए हैं। अब ये हम लोग को लेकर जाएगा, लेकर चल बनो चलो भाई। साइकिल में ताला मारना तो हम भूल गया, बताओ कि हमारा साइकिल ये गायब कर दे सब, ऐसा होगा तभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ग्राउंड पर आ चुके हैं, देखो बस आज इतना ही साइकिल आया हुआ है और इतने सारे भाई दौड़ने आए हैं। और जिस भाई से मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ वो भाई उधर ही होगा, चलते हैं देखते हैं। ग्राउंड पर और भी बहुत सारे लड़के आ रहे हैं। देखो सरकार तो अपनी वाली करना नहीं छोड़ रही है, उसको जो मन कर रहा है वो कर रही है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन लड़के लोग ग्राउंड में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सरकार कुछ समझ नहीं रही है लड़कों का दर्द। इस भाई को पहचानता है यार, कब कर आए वाला तब बढ़िया है, अपना बताओ बढ़िया भाई। तो ये भाई ग्राउंड पर आता है, रनिंग करता है, रनिंग करके घर चला जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है ना, और रियल कहानी है, और ज़्यादा दिन की कहानी नहीं है, अभी आप लोग को पता चल जाएगा, ये भाई खुद बताएगा। कब दौड़वा? बस 10 मिनट में दौड़ के। दौड़ के कब तक मतलब? 10 मिनट में। ठीक है दौड़ गया। तो अभी ये भाई दौड़ने जा रहा है, ठीक है दौड़ गया, ठीक है। ये बंदा अभी भी संघर्ष कर रहा है, अभी भी दौड़ने ही जा रहे हैं। उधर भी बहुत सारे भाई हैं, तो वो लोग भी दौड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से इतने सारे भाई दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो काफी तगड़ा वाला अपने ग्राउंड पर मेहनत हो रहा है भाई। अमित भाई चाप के चलो पकड़ ले रही है। हेलो, कितना किलोमीटर? 10 राउंड। ये भाई भी दौड़ चुका है यार, और ये वो बंदा है ना जिसके हाथ में वर्दी दे कर छीन लिया गया है। अब उसका दर्द यही समझेगा, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। किस तरह से अपना तैयारी किए थे शुरू शुरू में, और आपके साथ क्या हुआ? क्या हुआ कि हम लोगों की 2021 में आई थी हम लोगों की भर्ती, जैसे मैं यहाँ से नहीं हूँ, अल्मोड़ा ARO हमारा पड़ता है, नैनीताल में है। तो जैसे ये हुआ कि हम लोगों ने मेहनत किया भाई, बहुत मेहनत किया, और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जिनके साथ बहुत गलत हुआ। जैसे हम लोग जैसे दौड़ते थे यहाँ पे, साल भर 2 साल से मेहनत करते थे, मेहनत करने के बाद जो हम लोगों की भर्ती नज़दीक आई, हम लोगों ने 2-2, 3-3 टाइम दौड़ना शुरू किया, बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद हमारा फिजिकल निकला, ये फिर उसके बाद डर था कहीं मेडिकल ना फेल हो जाए हम लोग, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में हम लोगों को रेफ़र भी किया था, मुझे मेडिकल मुझे मिला था 2 पॉइंट में। फिर हुआ रीमेडिकल, हुआ 6 महीने बाद हम लोगों का रीमेडिकल हुआ, कोरोना की वजह से वो भी डेट पोस्टपोन कर दिया गया था, उसमें हम लोग फिट हुए। फिर ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को ऐसे ही पोस्टपोन करते गए, 6 बार हम लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। जो तीनों सेना के प्रमुख है आके कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि TOD लागू कर दिया गया, इसकी वजह से हमारा जो पुरानी भर्तियाँ पेंडिंग में थी सबको रद्द कर दिया गया। हम लोग अपनी परेशानी क्या बताएं भाई, बहुत परेशान है, बताओ हम लोगों की क्या गलती है। अगर पोस्टपोन ये भर्तियां रद्द ही करनी थी, कह रहे हैं सर 2 साल पहले से इस TOD पे बात चल रही थी, तो 2 साल पहले 2019 से बात चल रही थी तो 21 में 20 में भर्ती क्यों कराया? कराने के बाद फिर उसके बाद फाइनली सब कुछ हो गया, मेरे पास तो NCC था, मुझे तो इतना था भाई कि मेरा तो हो गया पक्का है। तो घर में सबको, रिलेशन में सबको ये था कि चलो एक ये बंदा हो गया, इसको अब कोई दिक्कत नहीं, पेपर तो देना नहीं था। ये परेशानी क्या, जितना परेशान है ना हम क्या बताएं। फिर से देखो 1.5 साल बाद हम लोग को फिर ग्राउंड में आना पड़ा, इतनी परेशानी। अभी सोचे नहीं थे ये भर्ती हो गए थे, सब कुछ इनका हो गया था, NCCC था। और मैं क्या बताऊं यार, अभी
आप जैसे इसके चक्कर में बहुत सारी बीच में भर्ती आई थी सुने थे, वो भी आप छोड़ दिए थे। जैसे हमारा उत्तराखंड पुलिस का आया था, अभी हमारा मेरा मैं पर्सनली बता रहा हूँ 30 मई को मेरा फिजिकल था। मुझे ये था कि जब 28 को हम लोगों की भर्ती हो ही रही है, पेपर हो ही रहा है, तो मैं 30 को फिजिकल देने क्यों जाऊँ। मैंने वो भी फिजिकल छोड़ दिया इसी के चक्कर में। ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे भाई, इनकी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती निकली ना तो ये सोचे हम तो फौजी बन चुके हैं तो फिर हम क्यों उत्तराखंड पुलिस का भर्ती देखने जाएं। इसी के चक्कर में उत्तराखंड पुलिस की भी भर्ती छोड़ दिए। और बीच में भी कुछ भर्ती निकली थी ना, बीच में भी बहुत भर्ती है, SSC GD की भर्ती आई थी हम लोगों के यहाँ, उसको भी मैंने छोड़ दिया। उसको भी छोड़ दिया। मेरे साथ के हम लोग 2-3 बंदे थे जिसके पास NCC सर्टिफिकेट था, इसी के चक्कर में कि हमारा तो मतलब कंफर्म हो गया है, हम लोगों ने सारी भर्तियां ये उत्तराखंड पुलिस की छोड़ दी, SSC GD छोड़ दी, और बाद में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। अब क्या कहें भाई, हम अपनी किस्मत ख़राब कहें या निकम्मी सरकार कहें कुछ समझ में नहीं आता। किस्मत ख़राब नहीं कहो, ठीक है ना, आप लोग तो अपने तरफ से बहुत मेहनत, हमें जितना करना था हमारे बस में जितना था हमने कर दिया अपने तरफ से। और अब तो आपके गांव वाले थोड़ा ताना बोली भी मारते हैं भाई, अब मारने वाले तो मारते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। अब भाई सरकार इनके जगह अगर आप लोग होते ना तो मैं क्या बताऊँ यार, जितने लोग भी हाइट को लेकर दर्द में जी रहे हो ना, और जितने लोग ऐसा सोच रहे यार मेरा तो पता नहीं भर्ती होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग सोचना जो बंदा भर्ती हो गया था और मतलब भर्ती होने के बाद उसका वर्दी छीन लिया गया, तो फिर उस बंदे के ऊपर क्या बीत रहा होगा भाई, आप लोग सोचना। उत्तराखंड वाली आर्मी की भर्ती कितने तारीख को है? अब फिर हमारी तुरंत देखो भाई, हमारा रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से चालू हो गया था, नई भर्ती का 30 जुलाई को बंद हो गया है, और यही 20 से 30 के बीच में हमारी भर्ती है। 25 तारीख को कोर्ट फैसला करेगा, 25 तारीख को 25 अगस्त को कोर्ट फैसला करेगा, और 20 से 21 तक की हमारे यारो अल्मोड़ा की भर्ती है। अब आप लोग सोचो यार ये क्या हो रहा है भाई, हम लोग क्या करें, भर्ती देखने जाएं या कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो सरकार, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना, ये लोग भर्ती हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भूखा आदमी खाना खाने बैठा और उसके सामने थाली रख के फिर वापस ले ली गई, वो हाल हमारे साथ हुआ है। अब 25 तारीख को हाई कोर्ट अपना सुनवाई करेगा, 31 के बीच 20 से 31 के बीच में भर्ती है, तो वो अपना फैसला सुना कर क्या करेगा, ये लोग तो दोबारा भर्ती देखने चले जाएंगे। अब यार फोर्स वालों का दर्द हमसे भी बड़ा है भाई, क्या कहें। हाँ। उनको तो सिर्फ, उनका तो सब कुछ क्लियर हो गया था, रिजल्ट पेपर भी हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था, फाइनल मेरिट लिस्ट, उनको तो सिर्फ जाना था। ये कहाँ का न्याय हुआ कि TOD आ रही है तो पिछली भर्तियाँ रद्द कर दी गई, कम से कम पिछली भर्तियाँ कंप्लीट कराते, फिर उसके बाद आप लोग नया नियम बनाते, इसका निकल पाएगा या नहीं इसका भी तो भरोसा नहीं है। अब इसका भी भरोसा कैसे, तो मेडिकल में भी तो मेडिकल का फिर दिक्कत होगा। अब इस बार देखते हैं अपने भाई का क्या होता है, इसका जब सिलेक्शन हुआ था ना उसी टाइम मैं एक वीडियो बनाया था कि अपने भाई का सिलेक्शन हो गया है, सर भाई कांग्रेचुलेशन भी बोले थे, लेकिन कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि भर्ती होने के बाद भी छीन लिया जाता है, कोई सपने में नहीं सोचा था। तो जितने भी भाई अपना अपना दर्द लेकर रो रहे हो, डिप्रेशन में पड़े हो ना, एक बार हमसे मिल ले भाई, हम बता देंगे कि दर्द क्या होता है। थोड़ा ऐसे भाइयों के बारे में भी सोच लेना, अगर ज्यादा परेशान होकर आप अपना दुख दूसरे को बताओगे ना तो वो खुद अपना दुख आपको बताने लगेगा। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं इंसान है जो खुश है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सब कोई किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहा है। के साथ अन्याय किया जाएगा या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होगा ना तो वो हमें लगता है कि सुधर जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं से निवास बनवाकर या किसी दलाल को पैसे देकर भर्ती होना चाहते हो, कोई आपके पीछे पड़ा है ना, तो फिर आपका जिंदगी तो इन लोगों से भी भयंकर खतरे में पड़ जाएगा, इतना मुझे पता है। बिल्कुल मत करना भाई, बहुत लोग कहते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो हम यहाँ से अपने तुम्हारा स्थाई बनवा देंगे, जाति बना, नहीं करना, कभी मत करना, ऑनलाइन जमाना है, तुम्हारा आधार कार्ड कितनी बार संशोधन हो रहा है सब तुम्हें, बस एक तुम्हारा फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है सब पता चल जा रहा है, इन लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। यहाँ तो हम लोगों का पेपर रद्द हुआ है, हम लोगों का सब कुछ सही होने के बाद भी तुम लोग, आप लोगों को अगर ऐसा करके आप फर्जी तरीके से जा रहे हो तो आप लोगों को तो वर्दी छीन लिया जाएगा, वर्दी छीन लिया जाए वो अलग की बात है, 9 महीने की ट्रेनिंग में रहा सब कुछ है, फाइन तुम लोगों को पेनल्टी माना अलग दिया जाएगा, जितना 9 महीने ट्रेनिंग किए हो जितना खर्चा सरकार तुम्हारे ऊपर किए हो उसका जुर्माना ठोकेगी। उसका बात ये छोड़ो, मतलब केस वेस लड़ना पड़ेगा, वो तो लड़ना ही पड़ेगा। आज गांव वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार वाले क्या बोलेंगे, क्या मेन बात ये है, वो बोलेंगे कुछ नहीं, सीधे गाली देंगे, गाली देंगे कि साला ये है वो है, वो ये नहीं बोलेंगे कि भर्ती हो गया था बंदा। देखो जो भी मतलब अलग से निवास बनाकर होता ना उसको, उसके अंदर इतना पागलपन रहता है कि वो अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य से भर्ती, मतलब यार
उसको वर्दी चाहिए होती है, कहीं से चाहिए होती है, लेकिन पता है गलत तरीके से अगर करोगे ना तो फंस जाओगे। मुझे भी ये सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन जब से मैं वीडियो बनाने लगा, जब से मेरा पहचान बन गया ना, तो मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे फोन करते हैं जो नौ आप मानोगे नहीं, अपना खेत उत बेच कर वो भर्ती हो चुके हैं दूसरे जगह से, और नौ महीना तक ट्रेनिंग किए हैं, वो भी इंडियन आर्मी का, उनको वर्दी भी मिली है और इंडियन आर्मी का पूरा सामान भी मिला है। और 9 महीना ट्रेनिंग करने के बाद जब वेरिफिकेशन आता है, ये पता चलता है कि भाई मतलब उनका वेरिफिकेशन वहाँ जाता ही नहीं है, और वो 7-7 लाख रुपया 8-8 लाख रुपया दे दिए होते हैं, और ऐसा पता चलता है कि दूसरे जगह का निवास है, तो वहाँ से उनको घर भेज दिया जाता है, और उल्टा वो लोग केस लड़ते हैं। तो अब आप लोग सोचना, वो लोग तो ट्रेनिंग करके उनकी वर्दी छीनी गई, तो भाई मेहनत करते रहो, परेशानी तो आएगी, ग्राउंड में अगर आए हो ना तो परेशानी आएगी, लेकिन इन लोगों से ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, परेशानी झेलते रहना है, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग भी आते हैं ग्राउंड में ना, हम तो ग्राउंड में पूछो, हम तो रेगुलर अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, आते हैं दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद रोज़ वीडियो बनाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और आप पता है मेरे वीडियो बनाने से कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये तो सिर्फ वीडियो बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ है ये नहीं है। जब इस भाई का भर्ती आया था ना, तो मैं इस भाई को रेगुलर दौड़ाता था, आप लोग पूछ ले, इसके मैं ऊपर बोल रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, जितना मैं मेहनत करता था ना अपने ऊपर, उतना ही नीलेश भाई मेरे ऊपर मेहनत। मैं इसको दोपहर में जंगल में लेकर जाता था रनिंग कराने, सुबह दौड़ने के बाद थक जाता था, जाके खाना खा के सोता था, मुझे आने का मन नहीं होता था 12-1 बजे, लेकिन नीलेश भाई प्रॉपर 12 बजे या 1 बजे मुझे कॉल करते थे, आ जाओ। मैं जब ये कॉल करते थे, मुझे मेरे अंदर भी जुनून आता था भाई, अगला बंदा मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है, और मेरी भर्ती भी नहीं थी। और नीलेश, अरे उस समय क्या है, 2019 से लगाए 21 तक, अभी तक तो भर्ती ही नहीं आई है। एक ही बात बोलता था कि मुझे किसी ना किसी हाल में इसी तरह भर्ती होना है। मैं बोलता था यार रेस मारना हो जाओगे, NCCC है, ये बोलता था हमारा रेस निकलवे नहीं करेगा। हम बोलते थे 3 टाइम दौड़ो, 4 टाइम दौड़ो, बस दौड़ते रहो। तो मतलब दौड़ते रहा, सब कुछ निकाल भी लिया, भर्ती भी हो गया, लेकिन लास्ट में सब कुछ छीन लिया गया। तो बहुत ज़्यादा भाई तकलीफें सबको है, ठीक है ना, लेकिन आपको गलत कदम कोई भी नहीं उठाना है। किसी को ज़्यादा परेशानी है, किसी को कम परेशानी है, अब लगे रहना है, ठीक है ना, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों को कुछ भी गलत तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना, आप लोग को ये गलती नहीं करनी है कि इस दलाल के चक्कर में पड़ जाए। मिला जुला कर किसी के बल पर नहीं कूदना है, भोजपुरी में ऐसा बोला जाता है ना कि उनके बल पर कूद जाता ला, तो केहू के बल पर कूद देखना है, ठीक है ना। अपने ऊपर भरोसा करो, बस अपने ऊपर भरोसा करो कि मैं कर क्या सकता हूँ, वो करो, ठीक है ना। दूसरे के ऊपर भरोसा करोगे तो जिंदगी में आप हमेशा पछताओगे और रोते रह जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अभी हम लोग भी घर चलते हैं, अब क्या बताएं यार, देखते हैं आगे, अब भाई का फिर सिलेक्शन होता है या नहीं, अगर होता है तो कैसे होता है, परेशानी तो बहुत तगड़ी भाई है। देखो चल नेपाल में चला जाए, चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय हिंद भाइयों।